पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने प्रदेश के सभी जिलों में 272 मंडलों में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसका प्रदेश स्तरीय फाइनल मुकाबला देहरादून के परेड ग्राउंड में 23 दिसंबर को होगा। वहीं इस प्रतियोगिता के संबंध में किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पुंडीर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश के अनुसार कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश के सभी मंडलों में किया गया था। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। मैं तो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपने समस्त क्षेत्रवासी, प्रदेशवासी और देशवासी और विशेष रूप से युवा वर्ग के लिए आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि किस प्रकार से आपने देखा होगा, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे एशिया गेम हो, चाहे ओलंपिक गेम हो, जब से प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया तब से आपने देखा होगा कि मेडलों की संख्या में वृद्धि होने लगी। और इसी संदर्भ में हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी ने उदयमान खिलाड़ियों के लिए जो एक प्रोत्साहन राशि निर्धारित की, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं। अपने यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी और अपने किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक मंडलों में